क्वेश्चन दिया है कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके कंपाउंड डले हुए हैं और इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर हमें डिसाइड करना है। अच्छा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के केस में आप लोगों ने सीखा होता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जिस अल्किन में, जिस कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज़्यादा होता है। अच्छा, एक और रिलेशन आपको दिमाग में रखना है ऐसे क्वेश्चन आंसर करने के लिए, हमेशा दिमाग में रखें, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाते हैं तो आपको यूज करना हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या यूज करना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, ये आपका स्टेबिलिटी हो गया। तो जिस जिन कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा वहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर आप देखें ये तीन कंपाउंड में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक एक पाई बॉन्ड डला हुआ है, मतलब क्या है कि हम ये रिलेशन यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि तीनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो गए, तो हमें सेकेंड रिलेशन यूज करना है। तो ये आपके अल्किन है, सबसे पहले इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं। तो अल्किन के केस में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि बाई यूजिंग हाइपर कंजुगेशन, जो आपका हाइपर कंजुगेशन होता है ना, हाइपर कंजुगेशन यूज करके इनकी स्टेबिलिटी हम डिसाइड कर सकते हैं। क्या यूज करना है भाई आपको, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अच्छा, डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो फर्स्ट नेक्स्ट कार्बन होगा, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को क्या बोला जाएगा, आप अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं, अब इन्हीं को हम हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। अच्छा, इसमें कितने हाइड्रोजन है, टू, इसमें कितने हो गए टू, इसमें कितने हो जाएंगे थ्री, तो टोटल कितने हो गए, टू प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन, सेवन आपका हाइपर कंजुगेशन इसमें आ जाता है। जिसमें जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है, जिसमें जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है उस सिस्टम का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, सेकेंड वाले के केस में अगर आप देखें जो कंपाउंड डला हुआ है, ये आपका सी एच टू है, तो ये तो आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम है, तो इसमें अगर आप देखें ये अल्फ़ा कार्बन इधर जाएंगे तो ये अल्फ़ा कार्बन, इस कार्बन के नेक्स्ट कोई कार्बन है ही नहीं, तो टू हाइड्रोजन यहाँ पर, टू हाइड्रोजन यहाँ पर, टोटल टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर, तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए, फोर, तो हाइपर कंजुगेशन भी कितना हो जाएगा, फोर हो गया। अब देखिए पिक्चर थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, जो कंपाउंड थ्री डला हुआ है तो इसमें ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ये है आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम, ये डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, इधर जाएंगे तो ये भी आपका अल्फ़ा कार्बन, वन हाइड्रोजन यहाँ पर और दो हाइड्रोजन यहाँ पर, तो टोटल कितने हो गए, वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन कितना हो गया, थ्री हो गया। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हमें मिला हुआ है, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हमें मिला हुआ है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, फर्स्ट का, फिर इसके बाद में सेकेंड का, और फिर इसके बाद में आपका थर्ड का हो गया। ये क्लियर हो गया। अब मुझे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी ऑर्डर को उल्टा कर दूँगा, तो फर्स्ट का सबसे कम, सेकेंड का ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका स्टेबिलिटी कम होता है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड का सबसे ज़्यादा होगा, तो बोलिए आंसर कौन सा होना चाहिए, थर्ड का सबसे ज़्यादा, सेकेंड का, फिर इसके बाद में लिस्ट किसका हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, तो बोलिए बी ऑप्शन सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आपका बी ऑप्शन डला है।